कातलियों की संख्या अभी सही नहीं बताई जा सकती क्योंकि ट्रक में अभी आग लगी हुई है। ट्रक की आग को अभी बुझाया जा रहा है और बुझाने के बाद जब तलाशी होगी तब संख्या बराबर बताई जा सकती है, लेकिन 2 से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। सर क्या रिपोर्ट आज इसके बाद भी ऑपरेशन लॉन्च ऑपरेशन के बारे में बता दें, कैसे हुआ, सुबह क्या हुआ? ये 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ब्रिज को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था, जो हाईवे QRT है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सीधरा नाके पे पहुंचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक से के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया जिसका जवाब दिया गया। सर ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी SHOs को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उसको अप्रिहेंड करने के लिए। मजीद जानकारी जब तलाश हो जाएगी तो सर उसके तंजीम के बारे में कुछ पता चल पाया है, नया ग्रुप था सर? अभी तंजीम के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं रहेगा, ये तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तभी बताया जाएगा।